पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को उनके गढ़ में हराने का ख्वाब भले ही लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस ने छोड़ दिया हो, लेकिन बीजेपी पिछले 10 साल से वहां पर अपनी जमीन तैयार करने में जुटी हुई है। बीजेपी को ये उम्मीद है कि किसी न किसी तरह वो टीएमसी के किले को ध्वस्त कर सकेगी। इस साल मई में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी ने चुनावी तैयारियों का आगाज एक खास रणनीति से किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के किसानों से, वहां के अन्नदाताओं से कह रही है भिक्षाम दे। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी मिशन बंगाल के लिए कमर कस चुकी है। बीजेपी को इस बार उम्मीद है कि शायद बंगाल का सियासी इतिहास खुद को दोहरा जाए, ठीक उसी तरह जैसे कभी ममता बनर्जी ने साल 2011 में लेफ्ट के 3 दशक पुराने किले को नेस्तनाबूद किया था। तो शायद अब की बार बीजेपी भी ममता की 10 साल पुरानी सरकार को बेदखल कर सके। इसके लिए बीजेपी ने बंगाल में किसानों के घरों पर दस्तक दी है ताकि सत्ता का दरवाजा खुल सके। बीजेपी ने बंगाल के किसानों के घर से एक एक मुट्ठी चावल लेने का अभियान शुरू किया है। एक मुट्ठी चावल के भिक्षा के जरिए बीजेपी अब बंगाल को मुट्ठी में करने की कोशिश में है। आज हम लोगों ने कृषक सुरक्षा अभियान, इसको हम लोगों ने शुरू किया है और हम सब लोगों ने शपथ आज ली है। 40,000 ग्राम सभाओं में हमारे लोग जाएंगे, ग्राम सभाएं करेंगे, किसानों से एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी उनसे अनाज हम लेंगे। आज मैं 4 घरों में गया था, मैंने भी किसानों से अनाज लिया और सौगंध खाई, प्रण लिया कि हमारी सरकार आते ही आपको किसान सम्मान निधि से सम्मानित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में धान का कटोरा कहे जाने वाले वर्धमान जिले से एक मुट्ठी चावल नाम से अभियान शुरू किया। बंगाल में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता अन्नदाताओं से एक मुट्ठी चावल मांगेंगे। 23 जिलों के तकरीबन 48,000 गांवों में 73 लाख किसानों के घर घर जाकर ये चावल इकट्ठा किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली के किसान आंदोलन की तपेश बंगाल की सियासत में भी दिखाई दे रही है। टीएमसी लगातार बीजेपी को किसान आंदोलन के मुद्दे पर घेर रही है। बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि वो किसानों की उपेक्षा कर रही है। ऐसे में टीएमसी के इन आरोपों की काट के तौर पर बीजेपी ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल में किसानों को चिन्हित कर गांव-गांव पहुंचने की रणनीति तैयार की है, गांव-गांव तक पहुंचने की एक पगडंडी तैयार की है। हालांकि किसानों के मामले में खुद ममता सरकार भी तब घिर गई जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं करने की वजह से वो बीजेपी के निशाने पर आ गई। लेकिन केंद्र की योजना के लागू होने के 14 महीने बाद हाल ही में ममता सरकार ने इसे पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया। केंद्र सरकार हर साल 6,000 रुपए किसानों को देती है, पश्चिम बंगाल में 70 लाख किसान है। बीजेपी की कोशिश है कि इन किसानों तक पहुंचकर उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताया जाए, ताकि किसी भी तरह से जो सत्ताधारी टीएमसी है, जो सत्ताधारी ममता सरकार है, वो इस प्रधानमंत्री की जो योजना है उसका चुनावी लाभ ना उठा सके। दरअसल बीजेपी की नजर पश्चिम बंगाल के 2 करोड़ से भी ज्यादा उन किसानों पर है जिन्हें की वो अपने पक्ष मिलाकर चुनावी फायदा उठाना चाह रही है। बीजेपी बंगाल में जनवरी को किसान सुरक्षा माह के रूप में मना रही है। 9 जनवरी से 24 जनवरी तक बीजेपी के नेता अलग अलग रैली कर रहे हैं जिसमें किसानों को मोदी सरकार के किसान कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। 25 जनवरी से 30 जनवरी तक बीजेपी एक सामुदायिक किचन चलाएगी जिसमें इकट्ठा हुए चावलों से किसानों का भोज तैयार होगा। किसान, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सब साथ मिलकर खाएंगे। हालांकि ममता बनर्जी लगातार इस चुनाव को बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी बताकर नया एंगल दे रही है। टीएमसी के नेता बीजेपी नेताओं को टूरिस्ट गैंग बता रही है। तो बाहरी विदेशी धार करा नेता निये से और आरएसएस के गुंडा गुलो के निये से पढ़ाई की नजर रख बैन बहिरागत करा। तो बीजेपी पलटवार करते हुए कटमनी के मुद्दे पर टीएमसी को घेर रही है। दरअसल कटमनी का मुद्दा खुद ममता बनर्जी ने ही एक तरह से बीजेपी को दिया है। ममता ने ही टीएमसी नेताओं से कटमनी नहीं लेने की अपील की थी।
নেতাদের বড় বড় কথা কাটমানি ফিরিয়ে দাও, বলুন ব্ল্যাক মানি ফিরিয়ে দাও। আমারে চিফ মিনিস্টার নে নয়া ইনোভেশন কিয়া হ্যায় কাটমানি মহোদয়, আমারে প্রধানমন্ত্রী জি যো পয়সা ভেজতে হ্যায় ওয়াহাঁ কি বিকাশ কে লিয়ে বঙ্গাল কে লিয়ে জো সরকারি যোজনা চলতি হ্যায় ও উসমে জো লাভার্থী হোতে হ্যায় উনকো পহলে পয়সা ভরনা পড়তা হ্যায় তব উনকো ঘর মিলতা হ্যায়, उनको शौचालय मिलता है, उनकी बाकी सुविधाएं मिलती है। इसको कटमानी कहा जाता है, इसको रिकॉग्निशन मिला है, चीफ मिनिस्टर इसको बोल रही है। और जिन्होंने 8 साल तक लूटा है कटमानी, लोगों ने उनके घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 6 साल में बीजेपी ने अपनी सियासी जमीन पश्चिम बंगाल में काफी मजबूत की है और निर्विवाद रूप से इस वक्त बीजेपी राज्य की दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। अब बीजेपी की नजर पहले नंबर पर है, लेकिन सत्ता के लिए बीजेपी की राह अभी आसान नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुआ पथराव वहां के सियासी हालात की गवाही दे रहा है। पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। मैं समझता हूं कि कभी ऐसा लग रहा था मन में कि अपन अपने देश में है कि किसी दूसरे देश में। बीजेपी अब की बार 200 पार नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। लोकसभा चुनाव में राज्य में 18 सीटें जीतने से बीजेपी की उम्मीदें बढ़ी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक खास रणनीति के तहत हर एक महीने में बंगाल का दौरा कर रहे हैं। वहीं बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय मोर्चा संभाले हुए हैं। मुकुल रॉय कभी ममता बनर्जी का चुनावी प्रबंधन भी देखा करते थे, जबकि टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कद्दावर नेता सुवेंदु अधिकारी के आने से नया टर्न आ गया है। बड़े चुनावों की तैयारी बीजेपी बड़े रूप में ही करती है। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव अब बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने एक अनोखे अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत देश भर के किसानों से गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने के लिए लोहा इकट्ठा किया गया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे इसी अभियान के हिस्से की परिणति के तौर पर देखे और समझे जा सकते हैं।